और इधर आके थोड़ा सा पैचेस खराब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में कि यहाँ से थोड़े से आपको रोड्स खराब मिलेंगे। मौसम घाट का रास्ता है तो रोड्स ऊपर नीचे रहेंगे सभी वे। अब देखते हैं आगे कितना खराब हो सकता है, क्या है असली रियलिटी इधर का है भाई। पैच रास्ते तो खराब है, बोल करते हुए जा रहे हैं। ये पहाड़ियों को काट वाट के बना रहे हैं तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस तो होगा इस टाइप की चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से दिख रहा है पूरा एकदम। मैं छोड़ो बड़ा सा स्विच, अच्छा सा मौसम हो रहा है इधर बहुत ही। तो सारे इधर लोग रुके हुए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ले रहे हैं कि यार ये है पहाड़ियाँ हैं इसके अपन बात कर रहे थे। वही इस तरह से है रफ पैचेस, तो ये घाट के जो इंटरसेक्शन है उसी में ही आते हैं जनरली ये सारे। इतनी ये लोग काम कर रहे हैं शायद इसके ऊपर बनाने के ऊपर, तो इतनी जब तक इसे देखो भाई अभी अच्छा बारिश बारिश नहीं है, बारिश हो जाती है तो भाई फोटो वोटो नहीं खींच पाते हैं। नजारा और क्लियर दिख रहे हैं भाई, अब बादल का मूवमेंट हो रहा है तो बादल टच कर रहे हैं। सीमेंटेड रोड का काम चालू है और जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही थोड़ा सा एक मूवमेंट इधर आसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई काम चालू नहीं है, काम चालू है। सो चले कोहरे में क्या अंदर, चलो भाई जबरदस्त है। और अभी खिड़की खोलूंगा तो फील आएगा, ओ माय गॉड जबरदस्त क्लाउड, जबरदस्त भाई जबरदस्त भाई मजा आ गया। सब बाइकर वाइकर सब इस तरफ ही है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है और यही है भाई, यही मजा, यही किक है और यही चीजें जिंदगी की, कुछ ना दिखे और तब भी चलते जा रहा है। अब पता नहीं यार अपन आगे कितना जा पाएंगे क्या है, बाकी अभी तो ऑलमोस्ट ये कंडीशन है भाई एकदम ब्लाइंड। मज़ा कर रहे हैं इसमें बहुत ही सही भाई, क्या व्यू है क्या एकदम। ये बादल है जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा कोई बारिश नहीं आ रही, बादल है ये पूरा, ये क्लाउड्स क्लाउड्स का एक दबदबा। बहुत ही बेकार रोड हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो थोड़ी भी चलने की जगह नहीं है इतने बेकार है, धीरे धीरे करके निकलना पड़ रहा है इधर से। दे देखो आप यार तो इधर जाके बिल्कुल भी रोड वोड कुछ नहीं बना रखे, बड़ी तकलीफ है। इधर से ऐसे वेट कर रहे हैं कि कभी निकले और फिर अपन निकले, बाकी यार धुंध इतनी ज़्यादा है भाई, भयानक धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा। सो अपन अपना डबल लाइट वाला भी चालू कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी खड़ा है उसको ऐसे ही चालू करके ही चलना पड़ रहा है। हवा का फ्लो और ये बादल का एकदम एकदम से एग्जैक्टली पता चलता है भाई कैसा क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त है अभी मौसम, मज़ा फ़र्क महसूस पड़ रहा है भाई, बहुत ही धुंध है चारों तरफ एकदम, अच्छा खासा है रास्ता भी, मतलब विजिबिलिटी भी कम है, रोड सभी बेकार है, यहाँ पे शायद अच्छे हो जाए। तो चलते हुए आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे आके तो धुंध और तेज हो गई, बिल्कुल विजिबिलिटी कम से कम है। ऐसा लग रहा है कि किसी कुल्लू मनाली वगैरह में आ गए भाई, जबरदस्त कोहरा भाई, देखो कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है भाई, ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे, हाथ पान का हाथ जोड़ के। सही में यार मतलब मौसम तो डेंजर है भैया, जल्दी
ऐसे हम आगे इंटर हो रहे 30-40 किलोमीटर के स्ट्रेच पे और देख रहे तो क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया था, क्योंकि हम इस तरह के क्लाइमेट से आया था, यहाँ पे आ गया ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इतनी जगह से, और चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, और देखा जाए तो विजिबिलिटी तो आपकी बहुत ही कम हो चुकी थी, और बाकी आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे पेड़ है क्या है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाइयाँ भी हैं, सो वो भी चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो रही थी, बाकी बहुत सारे लोग आए हुए थे तो चारों तरफ गाड़ियाँ और ये सब लगी हुई थी। ये वाटरफॉल भाई जिसकी बात हम कर रहे हैं, जबरदस्त भाई वाटरफॉल, ये है सीरियसली खूबसूरती मलसेज घाट के, और धीरे धीरे करके चल रहे हैं हम लोग, और बाकी देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं भाई अच्छी खासी, बाकी इस टाइम पे हाल है तो भाई सुबह सुबह तो पता नहीं कुछ भी नहीं दिखता होगा, अब दिन के ऑलमोस्ट 3:30 बजे का टाइम है, काफ़ी सारे बाइक्स आए हुए हैं, कुछ टूरिस्ट गाड़ी से, बहुत सारी फैमिलीज वगैरह भी आई हुई हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही सही है इधर का सच में यार, मानसून में नहीं देखा तो भाई क्या देखा, ये गाड़ियाँ आई हुई है भाई बहुत ही अच्छी खास, और बाकी नीचे भी बहुत अच्छा दिखता है ऊपर से, बाकी यार आज तो दूर में कुछ दिखने से रहा, बाकी देखो कितनी ज़्यादा पार्किंग से, बस यही साइड में दबा के लगा ले लोग तो सही है, बाकी यहाँ पे भुट्टे मैगी और इन सब की का बहुत लुफ्ट उठाया जाता है भाई, ये स्पेशल फेमस पॉइंट्स हैं इधर के, और बाकी पुलिस वाले भी हैं इधर सारी चीज़ों का गश्त और ये सब देखते हैं, और ये है स्पेशल सुरंग, इसको हमने देखा था भाई बहुत ही, और इस पर बरसता है पानी भाई क्या लग रही है इसको भाई, जो देखा था वैसे वहाँ पहुँच गए, शांति मिल गई भाई बहुत ही, बाकी यार कितना इंजॉय कर रहे हैं, और ये है पहाड़ी का ट्रेन, ओह माय गॉड, जय भगवान का मंदिर, एकदम चट्टान एकदम सर पे ही आ गई भाई इधर तो, आई जस्ट रिकॉर्डिंग सॉन्ग, बहुत ही रिस्की है भाई बहुत रिस्की, बाहर निकल के देखा तो भाई ये नज़ारा है, ये घाट है पूरा नीचे से जाता हूँ, और बाकी ये झरना उरना इधर बैठा हूँ, तो झरने को भी देखते हैं, एकदम मस्त खतरनाक है भाई ये घाट नीचे तक, वरना अभी वो स्टेज भी गुजरा वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, बाकी रोड्स वगैरह हैं यहाँ पे तो थोड़े से बीच में ख़राब है, बाकी ऑलमोस्ट रोड्स हैं, जैसे हमने देखा था मालसेज घाट उतना ही ज़्यादा डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा यूनिक नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छी बात यह है कि चारों तरफ से ना आपको वाटरफॉल्स वगैरह एकदम रोड पे आते हुए दिख रहे हैं, तो एक तरह से बहुत ही खूबसूरत व्यू हो रहा है, और बाकी यार लोग बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे हैं, और साथ में जो भी मस्ती करनी है उनको वो भी कर रहे हैं, और कुछ कुछ तो हल्की फुल्की ड्रिंकिंग भी चल रही है कहीं कहीं पे, सो दैट्स द अदर काउज, बाकी अभी जो रास्ते में हम लोग जो नज़ारे देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पूरा कोहरा एकदम ज़्यादा डेंस छा चुका है, सो मैंने अभी ऐसा प्लान किया कि मैं इसको पूरा इसको एक्सप्लोर करके पूरा नीचे तक जाता हूँ, ये पूरा घाट को पूरा कवर अप करता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ, रुक जाए भैया इतनी प्रोटेक्शन दे रही है इधर की, मुझे पब्लिक बस ना आ रही है भैया,
अपना भी अब टेस्ट हो जाएगा भाई, सनरूफ थी अपनी गाड़ी में, बाकी अभी झंडे के नीचे गाड़ी निकलेगी भाई। स्पेशली यार एक बार पूरा घाट का ओवरव्यू हो जाए भाई, ये तो खड़े खड़े नाले आदमी में कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। बाकी जबरदस्त अमेजिंग चीज भाई, अमेजिंग। बिल्कुल विजिबिलिटी चली गई भाई, बिल्कुल चली गई भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक। क्या बात है भाई, क्या मस्त मस्त झंडे और भाई क्या नजारे, जबरदस्त। सो हम ऑलमोस्ट घाट के एंड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से उतर के हमने यहाँ आगे जाकर रिटर्न मारेंगे, क्योंकि घाट ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है यहाँ से, उसके बाद फिर नॉर्मल रोड चालू हो जाता है। सो देखा जाए तो आगे जाके कुछ खास है नहीं, बाकी ऑल द वे घाट पे ही सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया। और बाकी यार यही घाट का इंटरसेक्शन ही है, बाकी तो यार पत्थर वत्थर ही बीच में गिरे हुए हैं, उससे बच के चलना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट यार अपना कवर हो गया ये, अभी अपन वापस चलते हैं, कुछ कुछ स्पॉट्स हैं वहाँ पे खड़ा होता है। सो ये मैंने पूछा भाई आगे तो कुछ है नहीं, मैं आगे एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ। बाकी जो नेचर की जो ब्यूटी और जो आवाज़ आ रही नेचर साउंड की, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो भाई उसको बैठे बैठे सुनने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और बाकी यार आगे अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं और अब वो प्लेसेस देखेंगे जो अपन की छूट गई थी। हालांकि क्राउड बहुत ज़्यादा है तो बहुत अंदर डीप में जाके तो नहीं देख सकते, बाकी वहाँ पे देखते हैं कि यार एम्बिएंट कैसा है अभी के टाइम में, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आपको, सारे यहाँ पे मैगी से लेके और जो उस कॉर्न है उस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, गर्म चाय से लेके एवरीथिंग इज़ देयर। और प्राइसेस इज़ नॉट मच मोर हायर, बहुत ही सही रेट पे, सो आपको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। एक पहाड़ी पे मैगी खाने का जो फ्लेवर मज़ा है वो बहुत ही अलग है। सो भैया अभी चलते हैं और अब थोड़ा थोड़ा कोहरा हट जाएगा तो हमको ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी दिखेगी। यही दोन चटे तो भाई ये देखो भाई क्या व्यू है, देखो Yeah.
खूबसूरती भाई क्या जबरदस्त है। अगर मैं इधर की तरफ पीछे की तरफ देखूँ तो पूरा झंडे वंडे जो दिख रहे हैं ऊपर से बहते हुए, ये सारी चीज़ें। और बाकी इस व्यू से देखूँ तो पूरा क्लाउड, थोड़ी देर में पूरा क्लाउड ही क्लाउड हो जाता है भाई। ये चीज़ें मिलके एक जगह को यूनिक बनाती है भाई, बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पे ऐसा सिक्योरिटी बैरिकेडिंग सब की हुई है तो प्रॉब्लम नहीं है, पता पता तो रोकने के लिए अच्छे खासे उन्होंने फेंसिंग लगाई हुई। बाकी बहुत ही सही, बहुत ही मस्त वाटरफॉल इधर से, थोड़ा सा पानी एकदम ठंडा है, एकदम सही बन रहा है, बहुत ही सही। कौन शाम जा सकते हैं पानी के अंदर। पेंटा जो विजिबल नहीं हो रहा था अभी विजिबल हो गया, बाकी बहुत सारे तो इनका डर ही लगता है इसी में। खाना वाने की चीज़ें दे देते हैं लोग, खा लेते हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। ये फील जबरदस्त है, बस झंडे के नीचे एकदम बच्चे गाते हैं, हवा हवा चल रही है, बाकी बहुत ही सही लग रहा है, बस एकदम ठंडी ठंडी हवा, बहुत सही लग रहा है। और यही पर ही सब, बाकी देखो पूरा धुंध वुंध सब छा गया, जो ऑफिस से जो मैं दिखा रहा था वो कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो बस धुंध वुंध छा गया। तो बाकी यार नहीं अच्छी है, एकदम शावर हो गया, अभी नहाना चाहे तो नहा लो, वो पूरा भीग जाएंगे, और अपन कपड़े लाए नहीं है तो
बाकी नहा सकते हैं, बाकी बहुत ठंडा ठंडा पानी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंजॉय कर रही है भाई पब्लिक, ये मुंबई की पब्लिक भी है, मिक्स पुणे की पब्लिक भी और बाहर के भी कई पब्लिक है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं यार एकदम। ये पॉइंट ही भाई ज़बरदस्त है, आज दिन तक ऐसा पॉइंट रहेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। बंकी बंकी आ गए थोड़ा सा डर भी लगता है मुझे। और ये सबसे अच्छा मेन पॉइंट रॉकेट का पूरा क्लाउड और बाल का ढक गया, थोड़ा बहुत जो भी सीन से लगता है शूट आउट करें, बहुत ही बढ़िया लगता है, इतना इंजॉय कर रहा है। जगह के बारे में कितना ही बताऊँ, बाकी जो आपको यहाँ पे आके फील होगा उसकी बात अलग है। कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर सकता, स्विमिंग पूल तो सिर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये बात है। और अपन अभी थोड़ी देर तक खड़े हैं बस, तो ठंडी ठंडी हवा और ऐसे बादलों में मैं ऐसा रहा, ये बाकी ये फीलिंग बहुत कल्याण जा रही है, वो इधर से उधर में जाती है, इस तरह से लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैक भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मस्त हवा में मस्त एकदम ऐसे चलते हैं। ऑलमोस्ट 4:30 और फिर जितना देर रुकेंगे उतना ही मन लगता है भाई ऐसी जगह पे। बाकी बहुत ही सही एक्सपीरियंस है यार, मतलब यहाँ पे आके सच में ना ऐसा बादलों का टचिंग वाला फील बहुत आ रहा है, मतलब जैसे बादल टच करते हैं वैसा, ये एक बहुत अलग ही अनुभव है इधर का। बाकी रोड्स वोड्स एकदम ज़बरदस्त हैं, स्ट्रीम्स छोटे छोटे झरने हैं, सब कुछ है, मतलब ऑलमोस्ट यार बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ भाई, एक बार मज़ा ही आ गया भाई। ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे भाई, पूरा गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं भाई, इधर बहुत पब्लिक आती है भाई, सीरियसली बहुत पब्लिक आती है इधर, बच्चे सनरूफ का आनंद लेते हुए। और बाकी बहुत बड़े बड़े गड्ढे भाई इधर की तरफ, ऐसा लग रहा है कि लद्दाख कद्दाख आ गए, इधर वही फीलिंग आ रही है। सो ये बहुत बड़ा मंदिर भगवान का, ये श्री राम सब यहाँ पे दर्शन करते हैं और ये भगवान ही बचाते हैं सब चीज़ों से, ये भगवान जी आपकी तरह सब कुछ, जय हनुमान जी, जय श्री भगवान का मंदिर है, बहुत ही बड़ी बहुत ही। ऑल द वे हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स कवर किए और बाकी अभी देख रहे हैं तो ट्रैफिक जाम अच्छा खासा लग गया है, सो ये भी अंदाज़ा हो गया कि भाई सीज़न के टाइम पर ट्रैफिक जाम की समस्या तो रहती है भाई इधर, और काफ़ी देर से है तो देखते हैं धीरे धीरे करके आगे मूव करेंगे, और काफ़ी प्रिकॉशनली ड्राइव करना पड़ रहा है क्योंकि स्लिपरी हो चुकी है सर्विस। सो आने वाले ब्लॉग्स में जो अपने को दिखने वाले नज़ारे बहुत ही अलग पॉइंट से दिखेंगे और यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट MSRDC वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे। सो और बाकी देखेंगे रास्ता और कितनी ज़्यादा जगह यहाँ पे घूमने की, सो अपन इस एरिया को बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में चीज़ें बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, और अभी आप इन्जॉय कीजिए ये नज़ारा, ये बहुत ही ऑसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सच में वो लद्दाख एक बहुत ही बड़े अच्छे हिल स्टेशन में पहुँच गए और यहाँ पर रुक के लोग
अच्छे खासे फोटो से लेके सब पिक्स वगैरह सब कुछ ले रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है और देखते हैं ब्लॉग में और ही मज़ा आने वाला। सो कीप इन टच एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।